आलोपी देवी क्या उन शक्तिपीठों में से, इसका शुद्ध नाम और पूरा नाम जो है ललिता लोप शंकरी, जो पुराणों में इसका नाम है ललिता लोप शंकरी, और यहाँ के जो भैरव हैं, क्योंकि जहाँ शक्तिपीठ होता है वहाँ उसके भगवान शिव भी भैरव रूप में स्थापित होते हैं, तो ललतेश्वर भैरव यानी भव भैरव नाम से यहाँ वो प्रतिष्ठित हैं। और यहाँ भगवती ये वासांतिक नवरात्र जो आते हैं बसंत ऋतु के अंदर, और ये बहुत ही यश और नई ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष 9 के 9 नवरात्र हमको प्राप्त हो रहे हैं सभी को, और ये बहुत आजकल बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, कभी 7 कभी 8 होते हैं, कभी 7 होते हैं, तो अब की बार पूरे के पूरे नवरात्र अपने को मिल रहे हैं सबको। और ये सभी रही बात आलोपी देवी माता की, तो यहाँ भगवती की जो उंगलियाँ हैं, करा उंगलियाँ हैं, वो हुई थी संगम से पश्चिम दिशा में और अक्षयवट से वायव्य कोण में। यहाँ भगवती एक कोस भर की दूरी पर भगवती की जो है उंगलियाँ गिरी थी। यह अपने देवी भागवत में भी आता है, पुराणों में आता है, तो ये वही स्थान है जो भगवती का शक्ति स्थल कहा जाता है। 51 शक्ति पीठ हैं, तो उनमें से एक पीठ ये भी है। तो यहाँ पर यही एक पीठ है जहाँ जल भी चढ़ता है भगवती को। यहाँ वेदी है, वेदी के अंदर एक कुंड है, और उसके अंदर पालने के नीचे एक कुंड है, और उसमें श्रीयंत्र विराजमान है, तो वहीं पर संगम से लोग लाते हैं जल, और यहाँ जल भी चढ़ता है, और नारियल वगैरह से षोडोपचार से श्री विद्या की यहाँ उपासना होती है, और देश विदेश से साधक आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से साधना और जप तप करते हैं, और फिर उससे अपना जीवन धन्य करते हैं। और पूरे देशवासियों को इन नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आदिशक्ति प्रेम करुणा वात्सल्य ममता आदि सद्गुणों की वृद्धि पूरे समाज में हो, जिससे कि प्रेम भाव सब में बना रहे और हमारा समाज अपनी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए सुखी और निरोग रह सके, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से मैं सेक्रेटरी हूँ इस समय, और यह है मंदिर का प्रबंधन 10 नाम नागा सन्यासी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सदियों से करता हुआ आ रहा है। अभी बीएससी के